हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर थानागरी में गुढ़ामलानी विधायक हेमाराम चौधरी रागेश्वरी ऑयल फील्ड पर कंपनी के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। हेमाराम चौधरी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। हेमाराम चौधरी ने कहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक धरना नहीं हटाएंगे। 3 दिन धरना जारी, कंपनी अधिकारी धरना स्थल वार्ता का दौर जारी, ग्रामीण जन पहुंच रहे धरना स्थल पर। राजस्थान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हेमाराम चौधरी इस्तीफे के बाद लगातार अपने विधानसभा के दौरे पर हैं। अब दिन रात धरना पर हेमाराम चौधरी रागेश्वरी ऑयल फील्ड की साइट पर कंपनी के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। हेमाराम रात के समय अकेले ही धरने पर नजर आए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लोगों से अपील की है कि वो धरना प्रदर्शन पर ना आए क्योंकि ये महामारी का दौर है। हेमाराम चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना के इस दौर में वो लगातार कंपनी के CSR फंड गुढ़ामलानी विधानसभा के लोगों की मदद के लिए मांग रहे हैं। कंपनी के अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, ये हमारा हक है और कोई नाजायज मांग नहीं कर रहा हूँ। कहते हैं कि वो पहले कई बार स्थानीय लोगों के रोजगार के लिए भी कंपनी के अधिकारियों से बातचीत कर चुका हूँ, लेकिन अधिकारी सुनते ही नहीं है, इसलिए मजबूरन धरना प्रदर्शन करना पड़ा। जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी धरना प्रदर्शन से नहीं हटूंगा। गौरतलब है कि हेमाराम चौधरी के अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को भेजने के बाद सचिन पायलट से लेकर PCC चीफ लगातार उनसे संपर्क कर उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे थे। कल शनिवार को ही PCC चीफ और हेमाराम चौधरी के बीच वार्ता होने के बाद वो अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर नजर आए थे। इस दौरान हेमाराम चौधरी ने कई स्वास्थ्य केंद्रों का जायजा लिया था और आज हेमाराम चौधरी अचानक ही तेल कंपनी के खिलाफ धरने पर बैठने से बाड़मेर से लेकर जयपुर तक हड़कंप मच गया। अब लगातार धरना 3रे दिन भी जारी है। अब कंपनी के अधिकारी वार्ता के दौर चल रहा, मांगों की सहमति, बातचीत शुरू। कंपनी की तरफ से कंपनी के कुछ प्रतिनिधि कल आए थे, उनसे वार्ता हुई है और वार्ता के बाद में उन्होंने कहा हम वापस हमारे उच्च अधिकारियों से बात करके आपको फिर निर्णय से अवगत कराएंगे। जो भी अपनी मांग है, मुद्दे हैं, वो उनको लिखित में दे दिया और उसके हल के लिए उन्होंने समय मांगा। तो उन्होंने कहा कोई जल्दी नहीं है हमारे। जागरूक टीवी की बाड़मेर से खास रिपोर्ट।